प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे, तो इस वीडियो में हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए उसकी माइटोकॉन्ड्रियल जो चैम्बर है वो दो नंबर में होते हैं, दो होते हैं। एक आउटर चैम्बर कहलाता है, दूसरा चैम्बर है वो इनर चैम्बर कहलाता है। आउटर चैम्बर जो है ये इंटर मेम्ब्रेनस और पैरी माइटोकॉन्ड्रियल एक हम कहें लाइज बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस जो है आपके आउटर चैम्बर पे जाते हैं, जो लगभग उसका जो 20 से 60 एमस्ट्रॉन्ग जो है वो उसका स्पेस होता है। और ये लेस डेंस सब्सटेंस जो मोर एसिडिक एक हिट्रोजीनस फ्लूड से भरा रहता है, और ये जो हिट्रोजीनस फ्लूड है इसके अंदर वाटर, मिनरल्स और एंजाइम्स जो हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं। और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो लगभग साइटोसोल वाली कंपोजिशन के आसपास है। और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो जैसे हमने पहले बात की थी, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन 60 से 70 एमस्ट्रॉन्ग होती है, और इनके दोनों के बीच में जो स्पेस है वो 13 से 180 एमस्ट्रॉन्ग तक हो सकता है। इनर चैम्बर जो होता है वो जिसको हम इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके द्वारा बनता है, एंड ये डेंस जेल लाइक होमोजीनस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से भरा हुआ रहता है, जो जनरली ग्रेनुलर और होता है, और में भी फिलामेंटस और फाइब्रस होता है। जो ग्रेन्यूल्स हैं ये 3 से 50 एमस्ट्रॉन्ग डायमीटर में हो सकते हैं, और दीज आर कंसिडर्ड टू बी डाईवेलेंट आयंस, डाईवेलेंट आयन बाइंडिंग साइट्स, पर्टिकुलरली मैग्नीशियम और कैल्शियम जो आयन बाइंडिंग साइट्स बाइंडिंग आयंस हैं ये। और माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें उपस्थित होती हैं वो होता है माइट्रो राइबोसोम, माइट्रो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एंजाइम्स, और एंजाइम्स के साथ जो है इसके स्ट्रक्चर जो है ये सारी इसमें जो है उपस्थित होती है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एंजाइम और राइबोसोम। माइट्रो राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित जो राइबोसोम है उनको हम माइट्रो राइबोसोम कहते हैं, और ये जो होते हैं ममेलियन सेल्स के अंदर ये राइबोसोम 55S प्रकार के होते हैं। अर्लियर दीज वर सजेस्टेड टू बी ऑफ 70S टाइप, परंतु ये फ्रीली लाइंग मैट्रिक्स के अंदर फ्री लाइंग राइबोसोम्स हैं जो दो सब यूनिट्स के मिलके बने होते हैं। जो छोटी सब यूनिट है वो 80S प्रकार की होती है, और बड़ी सब यूनिट 39S जो है प्रकार की होती है, और इसका जो माप है वो 120 से 150 एमस्ट्रॉन्ग डायमीटर। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड नेक प्रोकैरियोटिक डीएनए की तरह का ही डीएनए है, जिसके अंदर जो होता है 2 से 6 नंबर में ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो है ये 20 से 25 एमस्ट्रॉन्ग डायमीटर हो सकता है इसका, और ये 4.7 to 5.4 माइक्रोन जो है इसकी लंबाई हो सकती है। तो ये फॉल्गन पॉजिटिव जो है आपके डीएनए थ्रेड्स होते हैं, और 1% ऑफ टोटल सेलुलर, तो डीएनए का लगभग 1% भाग जो है वो ये आपके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बनाते हैं। और इनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो उपस्थित रहती है, एंड देयर जी सी रिच पेयर्स, इनके अंदर जी और सी जो है नाइट्रोजन बेस उनकी अधिकता होती है एज कम्पेयर टू ए एन टी नाइट्रोजन जो न्यूक्लियर डीएनए उससे अगर हम कंपेयर करें। ये जो है डीएनए में फ्री भी रह सकते हैं या मेम्ब्रेन के साथ अटैच भी रह सकते हैं। तीसरे जो इनर चैम्बर में उपस्थित होते हैं वो एंजाइम्स कहलाते हैं। ये एंजाइम्स लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और क्लैब साइकिल जो है उसको पूर्ण करने वाले जितने भी एंजाइम हैं वो सब एंजाइम इसके अंदर उपस्थित होते हैं। लगभग 70% ऑफ टोटल सेलुलर एंजाइम्स जो होते हैं उसका 70% भाग जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, एंड
लेनिंजर ने 1969 में सबसे पहले क्रैब साइकिल के जो मैट्रिक्स है उसमें उपस्थित एंजाइम्स को उसका उनके बारे में वर्णन किया। इसके अलावा जो है इसके अंदर सभी टाइप के आरएनए, लाइक टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन विटामिन जो येलो कलर का दिखाई देता है, और फाइबर्स जो होते हैं वो सब इसके अंदर। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स जो हैं वो केमिकल कंपोजिशन जो होती है लार्जली डिपेंड्स ऑन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स मेनली इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसके लिए जितने भी एंजाइम्स हैं वो मुख्यतः एंजाइम राइबोसोम के अंदर उपस्थित होते हैं। जैसे मैंने हमने अभी पहले बात की थी कि सेल के अंदर मिलने वाले सभी एंजाइम्स का लगभग 70% जो एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं, और कुछ जो एंजाइम्स हैं इनके साथ वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर में रहते हैं और पर्टिकुलरली इनर चैम्बर जो है उसके अंदर रहते हैं। लेनिंजर के अनुसार जो एंजाइम्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। एंजाइम्स जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंजाइम्स ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इंक्लूड मोनोमीन ऑक्सीडेज, एनएडीएच, साइटोक्रोम रिडक्टेज या थायोकाइनेज बोलते हैं इसे हम, काइनोयूरिन, हाइड्रोक्सिलेज, ग्लिसरोफॉस्फेट, एसिटाइल ट्रांसफरेज, हेक्सोकाइनेज टू, कोलिन, फॉस्फो ट्रांसफरेज, एसिटाइल कोसिंथेटेज, बट नन ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इन सब एंजाइम का किसी का भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से कोई लेना देना नहीं होता, मीन्स जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के एंजाइम्स हैं। इसी प्रकार से जो आउटर चैम्बर है उसके अंदर एडिनिन साइक्लेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फोकाइनेज ये एंजाइम्स में उपस्थित होते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जितने भी एंजाइम्स हैं जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम है एटीपीएस या एटीपी सिंथेटेज कहते हैं, जो F1 हेड पीस ऑफ ऑक्सोसोम में वहाँ उस प्रेजेंट होते हैं। क्रिएटिनिन, एसिटाइल ट्रांसफरेज, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिरेट, डिहाइड्रोजनेज, फ्लेक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, डीपीएन डिहाइड्रोजनेज, कोलिन डिहाइड्रोजनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, यूबिक्विनिन और को एंजाइम क्यू, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN भी बोलते हैं इसे, फ्लेविन एडिनो डी न्यूक्लियोटाइड, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ये सारे एंजाइम्स हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड। इसी तरह से जो इनर चैम्बर है, इनर चैम्बर के जो एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर एंजाइम्स उपस्थित होते हैं सिट्रेट सिंथेटेज, एकोनिटेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, ऑक्जेलो सक्सिनेट डी कार्बोक्सिलेज, अल्फा कीटोग्लुटेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट थायोकाइनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमरेज, मैलेट डिहाइड्रोजनेज। इनमें कुछ एंजाइम जैसे होते हैं जो फैटी एसिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, दीज एंजाइम्स आर एसिटाइल को एंजाइम, एसिटाइल ट्रांसफरेज, बीटा हाइड्रोक्सी एथाइल को एंजाइम डिहाइड्रोजनेज, इथाइल को एंजाइम हाइड्रेट हाइड्रेटेज, एसाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज, फॉस्फो फैटिडिक एसिड कोटिडिल ट्रांसफरेज सी टी पी बोलते हैं इसे हम। एंजाइम बीटा ऑक्सीडेशन जो है उसके लिए जो एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर वो हैं एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज, एनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्रोटेज, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज, बीटा कीटो थायोलेज। ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं ये सारे माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर उनके अंदर। तो इसमें जो मुख्य एंजाइम्स जो जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए क्रैब साइकिल के लिए जो है वो इनर जो चैम्बर है उसके अंदर जो है वो मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एटीपी सिंथेसिस का जो जितना भी जो भी एंजाइम्स है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है उसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल साइज का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसको मोनोमर्स कहते हैं। ये डबल साइज जो है आपके सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है,
उसको हम डाइमर बोलते हैं। तो नॉर्मल साइज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स, वेल डबल साइज सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आर डाइमर्स विच मे बी इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। डीएनए कंटेनिंग एरियाज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड न्यूक्लियाइड्स, तो उसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। जैसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो न्यूक्लियर रीजन है उसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं, इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रियल रीजन जहाँ पे डीएनए उपस्थित है वो भी न्यूक्लियाइड रीजन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो न्यूक्लियर डीएनए से कई रीजन्स हैं जिनके जो है कई कारक हैं जिनकी वजह से जो है वो भिन्न होता है। और ये है पहला, जैसे हमने बात की थी कि जीसी पेयर है, तो गुआनिन और साइटोसिन पेयर्स कंपेरेटिवली जो नॉर्मल अकरिंग डीएनए है उससे इनकी मात्रा इसके अंदर ज़्यादा होती है। तो जैसे हाई इसके अंदर जी एंड सी की ज़्यादा प्रेजेंस, पेयर्स की ज़्यादा प्रेजेंस होने की वजह से जो इनकी बायोट डेंसिटी है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो 1.7 1.706 है, जबकि न्यूक्लियर डीएनए की 1.700 है, तो ये थोड़ी सी उससे ज़्यादा होती है बायोट डेंसिटी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये हायर डीनेचुरेशन टेम्परेचर, इसका मेल्टिंग जो टेम्परेचर है वो कंपेरेटिवली जो है ज़्यादा होता है, तो ये इजिली जो है रीनेचर कर लेता है, विच शोज दैट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है इसके अंदर ज़्यादा होमोजीनस बेस कंपोजिशन। तीसरा जो डिफरेंस है इट हैज़ लेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैन दोज ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। तो न्यूक्लियर डीएनए के कंपेरेटिवली इसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कम होती है। चौथा जो है डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज डिफरेंट फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए की रेप्लिकेशन के काम आता है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल अकरिंग डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियर डीएनए की रेप्लिकेशन। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो सर्कुलर है, नेक्ड है जैसे प्रोकैरियोट्स में होता है, जबकि न्यूक्लियर डीएनए जो होता है न्यूक्लियर में पाया जाने वाला डीएनए वो लीनियर होता है और उसके साथ बेसिक प्रोटीन्स जो हैं हिस्टोन्स वो ऐसे शेप कहते हैं जो उसको क्रोमोसोम के रूप में कंडेंस करने में उसको हेल्प करते हैं। छठा डिफरेंस जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है इट रेप्लिकेट्स फ्रॉम G2 टू साइटोकाइनेसिस व्हाइल न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। तो जो आपकी इंटरफेज की एस फेज है उसके अंदर न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट करता है। जो मॉलिक्यूलर वेट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का इज मच हायर देन दैट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, वेरीज फ्रॉम 9 to 11 मिलियन। तो इतने डाल्टन इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर डीएनए विच इज हायर। विंटर्स बर्गर एंड बीवर ने ये प्रूव किया कि जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को आइसोलेट के इनक्यूबेट करें विद एसेंशियल डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है जस्ट लाइक दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन आपको ध्यान हो, जो सर्कुलर डीएनए होने की वजह से दो डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क जैसे प्रोकैरियोट्स में मूव करती है, बिल्कुल उसी प्रकार से बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर। और इसी तरह से कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी शो किया है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड के द्वारा होती है, जैसे कि सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वो इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर भी पाई जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्यों बोलते हैं हम, और दूसरा इसके क्या क्या फंक्शन है इन सब के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।